कर देगी कि मल्ली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब महबूब आलम साहब, मैं आप तमाम से ये गुजारिश और रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आने वाले असम्बली के चुनाव में जो 27 तारीख के दिन 26 तारीख को जो पोलिंग है उसमें आप तमाम लोग एक होकर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए और यहाँ से जनाब महबूब आलम साहब को अपना MLA बनाकर बंगाल के असम्बली में भिजाइए। मैं आपको ये बताने को आया हूँ कि पिछले 60 साल से आप लोग ने कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी बाम को वोट दिया और फिर 10 साल से बंगाल में TMC की सरकार है। ये मुर्शिदाबाद का जिला है और यहाँ पर आप देखते हैं कि बरसों से आपने कांग्रेस को वोट देकर यहाँ पर कामयाब किया। और आपको साफ पीने का पानी भी नहीं मिलता है, पानी का रंग लाल है और यहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम भी नहीं है। कांग्रेस को कई मर्तबा यहाँ पर आपने यहाँ का MLA बनाया मगर आज आप देखते हैं कि मुर्शिदाबाद ज़िले में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चियाँ आला तालीम को हासिल कर सकें। मुर्शिदाबाद ज़िले में सागरदेगी में हमारी माँ और बहनें एक बहुत बड़ा तबका BD को रोल करता है, BD बनाता है। आज खुद आप देख लीजिए कि बंगाल में अगर मुस्लिम अकलियत पसमानदा है, उनसे इंसाफ नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। मेरी आपसे गुजारिश है ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनों से कि 26 तारीख को आप अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट देकर महबूब आलम को कामयाब करिए। बरसों आपके पास कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, आप हालत मजबूरी में कभी TMC को या कभी कांग्रेस को वोट देते थे। आज मजलिस आपके दरमियान में है और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक नहीं बल्कि इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक बंगाल की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाकी रहेगी। ये पहला और आखिरी असेंबली इलेक्शन नहीं है बल्कि हर असेंबली इलेक्शन में हम मुकाबला करेंगे, ज़िला परिषद का हो, ज़िला पंचायत का हो या फिर लोकल बॉडी का हो। और इंशाअल्लाह ताला वक्त भी आएगा जब मजलिस का उम्मीदवार मुर्शिदाबाद की पार्लियामेंट की सीट से भी मुकाबला करेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। आज हर आदमी हर पार्टी आकर आपसे कहती है कि हमको वोट दीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या हासिल किया? आज बंगाल में मुस्लिम अकलियत का हाल ये है कि सब कोई कहता है कि हमको वोट दे दो मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सिर्फ 6% मुस्लिम अकलियत की नौकरियां गवर्नमेंट में दी जाती है। सिर्फ 11% हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं। 16% मुस्लिम लड़कियां और लड़कियां ऐसे हैं जो 9 साल और 14 साल के दरमियान में हैं जो कभी स्कूल को नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल की जेल में 38% मुस्लिम पॉपुलेशन अंडर ट्रायल है। हर मैदान में हम पीछे हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि ये नाइंसाफी का अगर खात्मा करना है तो हमको आपको मिलकर अपनी पार्टी जिसका नाम जिसका इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर कामयाब करिए। ये कांग्रेस पार्टी की ही वजह से, कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ही की वजह से आज नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है। कांग्रेस पार्टी की नाकामियों का खैमियाजा आप पर हमको भुगतना पड़ता है। अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी होती
तो इस देश में बीजेपी कामयाब नहीं होती, मगर कांग्रेस पार्टी की ही वजह से आज पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल पैदा हो चुका है। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यही कांग्रेस पार्टी थी जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, यही कांग्रेस पार्टी थी जिसके दौर में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, यही कांग्रेस पार्टी इख्तदार में थी, पावर में थी जब दिल्ली की सड़कों पर मासूम सिखों के खून से होली खेली गई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हर भारत में हर रियासत में ख़त्म हो चुकी है। आज यही कांग्रेस पार्टी के लोग असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आए हैं। मैं हमारे गयूर भाइयों से कहना चाहूँगा, हमारी जद्दार माँ और बहनों से कहना चाहूँगा, यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी फिरका परस पार्टी को सपोर्ट करके वहाँ पर उद्धव ठाकरे को अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है, यही कांग्रेस पार्टी जिसकी सपोर्ट कर रही है महाराष्ट्र में वो शिवसेना का उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मेरी जद्दा और माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मुल्क में हमको बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, बीजेपी को शिकस्त देना है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं देश का तो काम नहीं कर सकते, मगर वो हमेशा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की जो खूबसूरती है, भाईचारगी है, मोहब्बत है, इसका डाइवर्सिटी है, इसको हमेशा के लिए कमज़ोर करके रख देना। आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने CAA का कानून पार्लियामेंट में लेकर आया तो पूरी भारत की पार्लियामेंट में दुनिया ने देखा कि अगर कोई था जिसने नरेंद्र मोदी के सामने आंखों में आके डालकर उसके 306 MPs की आंखों में आके डालकर किसी ने CAA के कानून को फाड़ दिया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बीजेपी ने मुस्लिम हमारी बहनों से झूठा हमदर्दी का दावा किया और ट्रिपल तलाक जैसा गैर कानूनी कानून बना दिया। ट्रिपल तलाक का कानून जो बनाया गया उस इंसाफ नहीं मिलेगा बल्कि उससे नाइंसाफी की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल में बीजेपी के 18 MP जीत कर आ गए, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझ पर उंगली उठाने वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस की कमजोरी की वजह से, क्या ममता बनर्जी की कमजोरी की वजह से, क्या बीजेपी के यहां पर 18 MP कामयाब कैसे हो गए? मजलिस यासउद्दीन ओवैसी तो 2019 का पार्लियामेंट के चुनाव में हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ा था, मगर मेरे अजीज दोस्तों, हकीकत यह है कि आज बीजेपी हो या फिर तिरुमल हो या कांग्रेस हो, इनका वोटर बीजेपी को वोट दे रहा है। ये सिर्फ ये कहकर हमको डरा रहे, फुसला रहे, मगर आज आप देखते हैं कि इनके पास कोई ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को, इनकी बंगाल में जो कामयाबी पार्लियामेंट में हुई इसका जिम्मेदार यही दोनों पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर ये आपके TMC हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप बंगाल में शीतलकुर्ची में जो कुछ हुआ कि जहां पर 4 लोगों को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोलियों ने उनको ख़त्म कर दिया, उनकी जान ले ली, वहीं पर एक आनंद बर्मन नामी एक शख्स जो वोट डाल रहा था उसकी भी मौत हो गई। मैं इस किन मौत के बाद बीजेपी कहती है कि ऐसे शीतलकुर्ची के तरह और 4-5 वाकयात होंगे। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि आप हमारी लाशों पर बंगाल में अपना सियासी महल तामीर करें, क्या आप हमारे खून पर अपनी कामयाबी को बनाएंगे? आखिर ये कौन सी राजनीति है कि एक 4 लोग मर जाते हैं, एक बच्चा मर जाता है तो आप कहते हैं कि शीतलकुर्ची की तरह और 4-5 वाकयात किए जाएंगे? क्या बंगाल में बहने वाले गरीब की खून की कीमत नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो या राजवंशी हो, ये इंसान है? क्या मरने वालों के ख्वाब नहीं थे? क्या मरने वालों के घर में बीवी और बच्चे नहीं
नहीं थे, क्या मरने वालों के माँ बाप नहीं थे कि जवानी में उनकी जवानी को, जिंदगी को छीन लिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को, अगर आप बीजेपी और आरएसएस के नापाक अजायम में उनको रोकना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने ओट से कामयाब करिए, दुआ करिए। और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज रात से रमजान शुरू होगा। मुझे यकीन है कि रमजान के मुबारक महीने में हम तमाम लोग रोजा भी रखेंगे और कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे ताकि इस सागर डिगी के असेंबली हल्के से, विधानसभा से, यहाँ से महबूब आलम को आप कामयाब करिए। आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई हुई है। बीजेपी जब से सरकार में आई है, देश के कोने कोने में कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है तो कभी किसी को पीने का पानी अगर कोई जाकर किसी इबादत गांव में पीता है तो उसको 14 साल के बच्चे को मारा और पीटा जाता है। यही बीजेपी की ताईद की बिना पर, यही संघ परिवार की ताईद की बिना पर आप देखते हैं कि ये संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी करते हैं। और बीजेपी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है नरेंद्र योगी की, वो उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मेरे अजीज दोस्तों, ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने मुल्क में नौजवानों को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में कोरोना फैल रहा है, इंजेक्शन की जरूरत है वैक्सीन की, तो नरेंद्र मोदी को इसकी फिक्र नहीं है। कई बंगाल में आपके अस्पताल में चले जाइए, आपको कोरोना का इंजेक्शन है मगर बीजेपी इंजेक्शन नहीं देती। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी तो बड़ी बड़ी भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर इनको देश चलाना नहीं आता। ये बांग्लादेश तो चले गए और बांग्लादेश में जाकर नरेंद्र मोदी ने वहां पर बांग्लादेश के जनता से कहा कि मैंने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया, मगर यही बंगाल में आज देखते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में घुस बैठी घुसे हैं, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी हैं। खुद दिलीप घोष ने कहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग बंगाल में बांग्लादेशी हैं। आखिर ये कब तक ये नफरत फैलाते रहेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को सोचना है। आपको अगर अपने इस सागर डिगी में अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए स्कूल की ज़रूरत है, यहाँ पर कॉलेज की ज़रूरत है, साफ पीने के पानी की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आपकी एक आज़ाद सियासी आवाज़ हो जो बंगाल के असम्बली में जाकर गूंजे। कब तक आप कांग्रेस की ममता बनर्जी का साथ देते रहेंगे? ये आपको सिर्फ वोट हासिल कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे, ये हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी अपने आप को जनियोधारू हिंदू कहते हैं, तो तीसरी जानिब ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। बताइए फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, आप किसकी तरफ देखेंगे? एक तरफ हिंदू नेशनलिस्ट है, एक तरफ कांग्रेस का जनियोधारू है, तीसरी जानिब ममता कहती है कि मेरा गोत्रा शांडलिया है, मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और चंडी पाठ पढ़ती है। बताने का मकसद ये कि आज आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई वोट की कीमत नहीं है, आपकी गरीबी के ताल्लुक से इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, हालत मजबूरी में आपका वोट हासिल करना चाहती हैं। आज यहाँ सागर डिगी से एक मुकामी काबिल नौजवान जो हमारे मजलिस के उम्मीदवार हैं, जनाब महबूब आलम साहब को वोट दीजिए, इनको अपना महबूब बना लीजिए। आपने बरसों कांग्रेस को वोट दिया, आपने कभी टीएमसी का साथ दिया, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। आज आपको यहाँ से सागर डिगी से अगर कोई गुंडागर्दी करता है, कोई गरीबों पर जुल्म करता है तो इस गुंडागर्दी और जुल्म का भी खात्मा आपको करना है। आपको इस सागर डिगी में, मुर्शिदाबाद में
में आप अंदाजा लगाइए कि 50% हमारी बहनें बीड़ी का काम करती हैं, रोल करती हैं, मगर यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत एक कानून को लेकर आया जिसका अगर अमल होगा तो कानून का बहुत बड़ा नुकसान हमारे बीड़ी बनाने वाले कारोबार पर पड़ने वाला है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस सागर डिगी से नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो महबूब आलम को आप कोर्ट देना है। आप बीजेपी को हराएंगे, रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी में दम कम नहीं है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमजोर पड़ते जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी में वो ताकत भी नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। आज भारत देश में एक नई सियासी क़यादत की आपको जरूरत है। हम कब तक इन लोगों इन पार्टीज की गुलामी करेंगे? हम कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? हम कब तक अपनी जबानों को नहीं खोलेंगे? हम कब तक हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों के तालीम के मुस्तकबिल को बर्बाद होता देखते रहेंगे? हम कब तक अपने नौजवानों की जिंदगियों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ता हुआ देखेंगे? मेरी आपसे गुजारिश है कि आइए एक नए दौर का आगाज करिए और बंगाल में एक तारीख को बनाइए ताकि यहां से महबूब आलम आपके वोट के जरिए जब एमएलए बनकर जाएगा तो सिर्फ सागर डिगी नहीं बल्कि ना सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि पूरे बंगाल के गरीब आवाम की एक ताकत और आवाज और पहचान बनेगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर 26 अप्रैल के दिन अपने वोट के जरिए पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।